दोस्तों गौतम गंभीर जो कि टीम केकेआर के मेंटर हैं, उन्होंने 2 से 3 चीजें कंफर्म कर दी है आगे आने वाले सीजन या फिर मुकाबलों के लिए। एंड इसके अलावा उन्होंने मिचेल स्टार्क के ऊपर भी लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। बट सबसे पहले आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या मिचेल स्टार्क को बाहर बिठाकर अब चमीरा को मौका देने का यहाँ पर टाइम आ गया है, या फिर ऑस्ट्रेलियंस जो अपने स्ट्रॉन्ग कमबैक के लिए जाने जाते हैं तो उसके लिए और स्टार्क को मौका देना चाहिए। अगर बात करें गौतम गंभीर की तो उन्होंने 2 से 3 चीजें जो कंफर्म की उसमें ये बात बताई है कि रिंकू सिंह अभी फुली फिट है, स्टिल हम उनको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में ही देख रहे हैं क्योंकि अगले मुकाबले से हमें नीतीश राणा कंफर्म देखने को मिल जाएंगे। नीतीश राणा के बैंडेज खुलना बाकी है, प्लास्टर ओपन हो चुका है, नीतीश राणा पंजाब किंग्स के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा जो गौतम गंभीर है उन्होंने टीम की परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी बात की है कि यहां पर टीम केकेआर अभी अच्छा अच्छा खेल रही है, यानी आप जानते हो गौतम गंभीर ज्यादा तारीफ नहीं करते हैं कुल के। उन्होंने कहा है कि उनका एम है पहले या फिर दूसरे स्पॉट के ऊपर लीग मुकाबले खत्म करना, तो क्या टीम केकेआर लीग मुकाबले खत्म कर पाएगी पहले दूसरे स्पॉट पर नीचे कमेंट कीजिए। इसके अलावा मिचेल स्टार्क पर उन्होंने ये बात कही है कि मिचेल स्टार्क थोड़े एक्सपेंसिव जरूर हैं और वो यहां पर शायद ये सीजन समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट है, आउट ऑफ फॉर्म है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो नाम है, उनका जो यहां पर बॉलिंग स्टाइल है वो कहीं ना कहीं यहां पर छूट चुका है। मिचेल स्टार्क कमबैक कर लेंगे, यानी दोस्तों गौतम गंभीर उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और थोड़ी बहुत डांट तो पर्सनल लगाते ही होंगे। तो ये है अपडेट टीम केकेआर की तरफ से, गौतम गंभीर की तरफ से लेटेस्ट अपडेट जो भी निकल कर आ रही है।